हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है बलजीत कौर। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू। दोस्तों, कुछ टाइम पहले एक वीडियो आई थी इस चैनल पे किचन वोकैबुलरी के नाम से, जहां हमने सीखा था कि किचन के जो सामान होता है किचन का, उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, उन सामानों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ये हमने उस वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं किचन के कामों के बारे में, मतलब किचन में जो भी काम होते हैं, जैसे आटा गूंथना, सब्जी बनाना, रोटी बनाना, इन कामों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आज की हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो देखिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आलू उबालने से। आलू को उबालने के लिए, कोई भी चीज उबालने के लिए जो वर्ड यूज होता है, दैट इज बॉयल। ठीक है, अगर आपको बोलना है आलू उबाल दो, आप कहेंगे बॉयल द पोटैटोज, बॉयल द पोटैटोज। अच्छा, कई बार होता है कि हमें पूछना पड़ जाता है कि आलू को धीमी आंच पे पकाएं या फिर तेज आंच पे पकाएं, तो ये धीमी आंच और तेज आंच, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखिए, लो फ्लेम, ठीक है, जब कम आंच होती है, कम आग होती है गैस में, तब उसे धीमी आंच बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में लो फ्लेम बोलते हैं। और यही अगर हमें तेज आंच पे पकाना हो कोई चीज, ठीक है, हम कहेंगे कुक इट एट द हाई फ्लेम। ठीक है, मतलब इसे तेज आंच पे पकाओ। अच्छा, अब जब आलू उबल चुके हैं तो उन्हें छील लेते हैं। आलू छीलने को या कोई भी चीज छीलने को बोलते हैं पीलिंग। ठीक है, आलू छील दो, आप कहेंगे पील द पोटैटोज, पील द पोटैटोज। अच्छा, छीलने के बाद अगर आपको आलू को मसलना है, मसलने के लिए जो वर्ड यूज होता है, दैट इज मैश। ठीक है, आपको अगर बोलना है आलू मसल दो, आप कहेंगे मैश द पोटैटोज, मैश द पोटैटोज। अच्छा, आपको अगर कद्दूकस करनी हो कोई चीज, मान लीजिए आपको आलू के परांठे की जगह मूली के परांठे बनाने, आपको मूली को कद्दूकस करना पड़ता है, ठीक है, तो उस वर्ड कद्दूकस वर्ड के लिए जो वर्ड होता है इंग्लिश में, दैट इज ग्रेट। ठीक है, अगर आप मूली कसनी है, आप कहेंगे ग्रेट द रेडिश। ठीक है, मतलब मूली कस दो। अच्छा, यही अगर आपको काटनी है कोई चीज, मान लीजिए आपको प्याज काटने हैं, तब आप कहेंगे कट द अनियंस, यानी प्याज काट दो। प्याज, अनियन को प्याज बोलते हैं और काटने को कटिंग बोलते हैं। कट द अनियंस मतलब प्याज काट दो। ठीक है, यही आपको अगर बारीक काटने हैं प्याज, ठीक है, जो नॉर्मल साइज थोड़ा बारीक काटने हैं, उसको चॉपिंग बोलते हैं। आपको अगर ये कहना है कि प्याज जो है उनको बारीक काट दो, आप कहेंगे चॉप द अनियंस, चॉप द अनियंस। और अगर प्याज गोल गोल स्लाइसेस में आपको काटने हैं, तब आप कहेंगे स्लाइस द अनियंस। ठीक है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, स्लाइस है इनके। ठीक है, ऐसे अगर काटने हैं, काटने के लिए किसी को बोलना है, तब आप कहेंगे स्लाइस द अनियंस। अच्छा, अगर आपको सब्जी बनानी है और मान लीजिए आपको प्याज भूनने हैं, तब आप किसी को कह रहे हैं कि प्याज भून लो, आप कहेंगे सॉटे द अनियंस, सॉटे द अनियंस। ठीक है, जो सॉटे वर्ड होता है, डेट इज फॉर भून, भून लेने को इंग्लिश में सॉटे कहते हैं। यही अगर आपको बोलना है कि तड़का भून लो, ठीक है, खाली ऑनियंस की जगह अगर आपको पूरा तड़का होता है, जैसे जिसमें ऑनियंस और टमाटो सब कुछ, गार्लिक वार्लिक सब कुछ होता है, उसे भून लेने के लिए बोलना है, आप कहेंगे सॉटे द मिक्सचर, सॉटे द मिक्सचर। अच्छा, सब्जी अभी कच्ची है, इसे कैसे बोलेंगे? इसे कहेंगे वेजिटेबल इज नॉट कुक्ड येट। ठीक है, वेजिटेबल इज नॉट कुक्ड येट, मतलब सब्जी अभी बनी नहीं है, सब्जी अभी कच्ची है। और अगर आपको ये कहना है कि इसे ढककर पकाओ या सब्जी को ढककर पकाओ, तब आप कहेंगे कवर इट वाइल कुकिंग, मतलब बनाते हुए उसे ढक्कन दे के रखो या उसे कवर करके रखो, ताकि सब्जी जल्दी बन जाए। सब्जी अब पक चुकी है या सब्जी अब तैयार है, इसके लिए हम कहेंगे वेजिटेबल इज कुक्ड नाउ, या फिर आप कह सकते हैं वेजिटेबल इज रेडी नाउ। मैं आटा गूंद रही हूँ, आई एम नीडिंग द डो। ठीक है, आटा गूंदने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे इंग्लिश में कहते हैं नीडिंग द डो। ठीक है, आपको किसी को बोलना है मैं आटा गूंद रही हूँ, आप कहेंगे आई एम नीडिंग द डो। और जो ये होता है जिसे पेड़ा बनाते हैं जो आटे का, उसे कहते हैं रोलिंग द डो। ठीक है, रोलिंग द डो। यही अगर हम बेलते हैं रोटी को, उसको हम कहेंगे रोलिंग द चपातीज।
ठीक है, जो गोल गोल हाथ में हम पेड़ा बनाते हैं उसे रोलिंग द डो बोलते हैं, जबकि हम जो बेल रहे हैं, जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं ये जो बेलन बेला जा रहा है बेलन से, ठीक है, रोलिंग पिन से, इसे कहते हैं रोलिंग द चपातीज। मैं रोटियां बना रही हूँ, आई एम मेकिंग द चपातीज, या फिर आई एम कुकिंग द चपातीज। ठीक है, कुकिंग या फिर मेकिंग का मतलब होता है बनाना। अच्छा, अब आपकी सब्जी तैयार है, रोटी भी तैयार है, तो चलिए इसे परोस लेते हैं। परोसने को इंग्लिश में कहते हैं सर्विंग। ठीक है, अगर आपको बोलना है कि खाना परोस दो, आप कहेंगे सर्व द फूड या फिर सर्व द मील। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।